इमली और अथर, आप दोनों के लिए भी है मेरे पास एक परफेक्ट पार्टी प्लान। सबसे पहले तो आप दोनों पहन लीजिए मैचिंग आउटफिट्स और उसके बाद हो जाए एक बॉलीवुड नंबर पर डांस। कैसा लगा मेरा आइडिया? वैसे मेरे आइडिया तो हमेशा अच्छे ही होते हैं। चलिए पता कर कराएं क्या है इमली की कहानी का अपडेट, लेकर चलते हैं आपको इमली के पास। माँ बेटी की टक्कर। परछाई से भी खेल आती है मुझे। धरा के ताने। माँ होने के नाम पर एक भत्ता कलंक। भगौड़ी माँ के आंसू। स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में सालों बाद धरा का हो गया है अपनी माँ से आमना सामना। असल में धरा आरुषि से मिलने आई थी ये समझाने के लिए कि वो उसके देवर शिवा से शादी ना करे, लेकिन तभी वो टकरा गई अपनी माँ से। कैसे अपनी भगौड़ी माँ को सामने देखकर धरा के पैर उतले जमीन खिसक गई और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। अपनी कोख से जन्मे दो मासूम बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर भाग गई। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत नाइंसाफी की, माफ बहन का तो झटका बहुत बाद में लगता है, सबसे पहले तो माँ का झटका लगता है कि ओ माय गॉड, और बचपन में छोड़कर चली गई थी और सडनली मैं देखती हूँ तो एक वो भी है ना कि माँ ही है ना ये, मतलब वो भी तो होता है ना क्योंकि बचपन में देखा था। जो फोटो मेरे पास थी वो फोटो से उनकी शक्ल तो सेम लग रही है और उनके इमोशंस देख के तो भाप ही जाती है। तो इट्स अ वेरी पेनफुल फीलिंग टू इवन सी हर हियर इन सोमनाथ वेयर शी लेफ्ट ऑल ऑफ अस वेयर माय फादर डाइड एंड मुझे और मेरे भाई को छोड़कर जब वो किसी और के साथ भाग गई थी। सो इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन फॉर धरा, ऑफ कोर्स फॉर हर आल्सो। भाई धरा की माँ ने तो धरा के सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगनी चाहिए, इतना ही नहीं उन्होंने तो सच भी बताने की कोशिश की कि आखिर वो धरा को छोड़कर क्यों गई थी, लेकिन धरा है कि सुनने को तैयार नहीं। वो तो आज भी अपनी माँ को माँ के नाम पर कलंक मानती है। और उस उम्र में तुम्हारे सर से पापा का नाम और छत नहीं छीनना चाहती थी। अपनी गंदी जुबान से मेरे पापा का नाम भी मत निकालना। शर्माती है? अपनी करतूतों का दोष एक भली आत्मा के साथ ढोलते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? दोनों का ही करने का रीजन ये है कि धरा बहुत छोटी थी तब आई छोड़ के चली गई, तो उसको लगता है कि ऐसी कौन सी माँ होती है जो ऐसी भगोड़ी माँ ये सब जो भगोड़ी माँ को मैं लेके पकड़ के आई हूँ आप लोगों के पास। तो वो आई क्यों पहले मुझे जानना है। मुझे तो आना ही नहीं था सोमनाथ में, मुझे मुंबई में ही रहना था, मेरी आई लेके आ गई मुझे। देखते हैं कि क्या धमाल होने वाला है। क्या धमाल होने वाला है? अरे ये देखो भगोड़ी की दो बेटियां आ चुकी है, भगोड़ी की दो बेटियां आ चुकी है। हाय स्टेप सिस्टर, हाउ आर यू? अरे ये स्टेप सिस्टर है, ओ माय गॉड। बट ये देखो एक और विलन, क्या सीन है भाई? देखिए विलन तो नहीं है, इसकी भी अपनी चीजें हैं। शादी करना चाह रही शिवा से, इसने ठान लिया है। वो तो मेरे साथ टशन टशन में, और कुछ नहीं है। टशन छोड़ दे भाई, टशन के चक्कर नहीं, मैं तभी तो घर पे आऊंगी मजे लेने के लिए। भाई आज तो आरुषि के यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया है। वो चाहती थी कि उसकी माँ और धरा दोनों आमने सामने आ जाए और आज वो पूरा हो गया। लेकिन दूसरा ट्विस्ट तब आया जब धरा ने आरुषि को वहाँ पर देखा और वो हैरान रह गई। धरा यहाँ से तो गलतफहमी का पिटारा लेकर चली गई है, लेकिन धरा की माँ वो पूरी तरह से टूट गई है और अब उन्होंने फैसला ले लिया है यहाँ से जाने का, लेकिन आरुषि वो है कि जाने का नाम नहीं ले रही। देखा ना तुमने अंदर से कितनी टूटी हुई है, इसके बावजूद उसके देवर के साथ रिश्ता बनाएगी। कहीं नहीं जाएंगे ना मैं ना तू, अब तो मैं शिवा की बेटी बन के रहूंगी।
क्योंकि मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। मुझे बचपन से मेरे ऊपर सारी चीज़ें थोपी जाती थी, जो धरा है तुम धरा की तरह बनो, देखो धरा ऐसी है धरा वैसी है। तो मुझे कभी आरुषि समझ के मेरी आई ने प्यार किया ही नहीं, तो मुझे बहुत तकलीफ दी उन्होंने। खैर, आरुषि तो धरा की अच्छाइयों से अनजान है, हो सकता है धीरे धीरे वो धरा को समझे और जो दोनों के बीच बहनों का रिश्ता है वो सुधर जाए। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि जब धरा के सामने उसके पापा का सच आएगा तब कहानी में क्या नया मोड़ आएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।